अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम ह्यूस्टन। गर्मी इतनी ज़्यादा होती है ह्यूस्टन टेक्सास में कि बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसा मेरा काम है, ट्रैवलिंग है, मैं स्टेट टू स्टेट घूमता हूँ, वहाँ पे कभी सर्दी कभी गर्मी, तो बंदे का बॉडी टेम्परेचर जो है ना उस चीज़ को चेंज कर करके ना तो बर्दाश्त नहीं कर पाता। अभी मैं 3-4 दिन पहले ही आया हूँ काम से और अब यहाँ ह्यूस्टन की गर्मी से डील करना पड़ता है। इवन दो ह्यूस्टन इज़ माई फेवरेट सिटी, ये आप लोगों को मैं बता दूँ कि पूरे अमेरिका में ऐसा कोई सिटी नहीं है जो मुझे अच्छा लगता हो बट ह्यूस्टन, नॉट ओनली बिकॉज वी लिव हेयर। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए हम जैसे देसियों के लिए। तो हम लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ करने के लिए। डाइवर्सिटी है, लोग हैं, कम्युनिटी हमारी जो है बड़ी स्ट्रांग है, पाकिस्तानी, इंडियन और अरबिक कम्युनिटी मोस्टली यहाँ पे जो है ना बहुत है ह्यूस्टन में। तो ऐसा है कि अभी नींद पूरी की है मैंने अच्छे से, क्योंकि जब मैं काम पे होता हूँ तो तब तो मेरी इतनी अच्छी खासी कोई नींद पूरी हो नहीं सकती। जब वापस आता हूँ तब मैं कोशिश करता हूँ कि एटलीस्ट 8 घंटे सो लिया जाए, जो कि बहुत मुश्किल होता है। बट आई थिंक या आई स्लेप्ट 8 आवर्स टुडे। और मैं अभी निकला हूँ, फ्रेशन अप हुआ, शावर लिया, निकला हूँ घर से। अब मैं जा रहा हूँ लंच पे अपने भाई के साथ। भाइयों से बड़ा प्यार है, बहन से बहुत प्यार है, तो भाई जो है अभी मेरा वेट कर रहा है लंच पे। तो हम जा रहे हैं जनाब लपाशा, हुका लाउंज है यहाँ पे ह्यूस्टन में। सबसे अच्छी बात यह है कि हुका लाउंजेस जो हैं वो सुबह अर्ली मॉर्निंग ही ओपन हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपको वेट नहीं करना पड़ता अंटिल इवनिंग, यू नो। तो बहरहाल गर्मी है तो गर्मी के साथ तो हमने रहना ही है, इसी माहौल में रहना है जैसा भी है। मुझे तो वो खुले ठंड वाले माहौल में जाके, यू नो, विंटर में तो मुझे मज़ा भी नहीं आता। तो हम आई थिंक वी कैन बेयर दिस हीट। मुझे समर ठीक है हम लोग, चूँकि यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स बहुत ज़्यादा हैं जो कि मैं आपको अपने अगले वीलॉग्स में दिखाता रहूँगा। मैं बहुत आउट गोइंग हूँ दोस्तों के साथ, कजन्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपन फैमिली के साथ। सो एवरी डे व्हेन आई एम इन ह्यूस्टन वी आर आउट देयर समवेयर ईटिंग, स्मोकिंग, व्हाटएवर यू वांट टू डू, यू नो। सो हैंगआउट्स बहुत होते हैं, तो जो मैं आपको अपने अगले वीलॉग्स में दिखाता रहूँगा आप देखेंगे कि, और जहाँ जहाँ जाऊँगा मैं आपको डेफिनेटली वीलॉग डालने की कोशिश करूँगा और ये दिखाने की कोशिश करूँगा कि ह्यूस्टन जो है इज़ द बेस्ट सिटी इन यूनाइटेड स्टेट्स मेरे हिसाब से। हर एक की अपनी मर्जी होती है, हर एक अपना वो तरीका होता है, बट या मुझे तो ह्यूस्टन बहुत अच्छा लगता है। तो बहरहाल अभी मैंने जाना है जनाब, दोबारा मैंने जॉब पे जाना है सैटरडे, आज है थर्सडे, तो आई स्टिल हैव 2 मोर डेज टू हैव फन एंड हैंग आउट। और या अभी मैं बस मुझे भूख इतनी ज़्यादा लग रही है, कल मैंने डिनर किया था रात को 7 बजे, उसके बाद अभी तो मैं जनाब, अभी मुझे 2 ही चीज़ें चाहिए सिर्फ, नहीं 3 चीज़ें चाहिए मुझे। एक चाहिए मोरक्कन टी चाहिए, मुझे हुक्का चाहिए और मुझे खाना चाहिए, तो जो कि अभी आप देखेंगे कि मैं क्या खाता हूँ। तो या आई एम ऑन माई वे, अभी आई थिंक 15 मिनट्स की ड्राइव है, 15 मिनट्स में मैं पहुँच जाऊँगा। उसके बाद जनाब आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, आई शो यू द प्लेस टू, यू नो, यू गाइस वुड लव इट, जो लोग आप लोग ह्यूस्टन में नहीं रहते। हाँ जी जनाब, अच्छा जी, लपाशा हम पहुंच चुके हैं। अभी ये सुबह से जगह जो है ना बिजी होना शुरू हो जाती है, फुल हो जाती है और रात को 2 बजे तक खुली रहती है। आप ये रश देखें, मैं आपको दिखाता हूँ कि गाड़ियों का रश जो है सुबह के टाइम यहाँ पे कितना है। ये देखें जी, ये जनाब जगह है ह्यूस्टन की, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जगह है लपाशा। तो आपको बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे लोग बोर नहीं होते, ठीक है ना। अभी भाई जो है वो बैठा हुआ लपाशा के अंदर ही, मैं आपको भी दिखाता हूँ। और अंदर हम जा रहे हैं, देखते हैं, भूख से हशर हो गया और भी बस हुक्का तो ऑर्डर किया हुआ है, हुक्का पियेंगे साथ में खाना खाएंगे और फिर मैं आपसे दोबारा
बात करूंगा। ये देखें जी, ये लपाशा है, इनका आउटसाइड पैटियो भी है, रात को ये 2 बजे तक खुलता है, और यहाँ पे म्यूजिक नाइट भी होती है, सारा कुछ यहाँ पे होता है, और खाना यहाँ का बहुत ज़बरदस्त है बाय द वे। ठीक है, ये देखिए, ये ह्यूस्टन टेक्सास में जगह बहुत अच्छी है। तो मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि जब भी आप लोग ह्यूस्टन टेक्सास आएँ तो इस जगह पर लाजमी आएँ, ठीक है, ताकि आपको इसकी, मैं आपको एंट्रेंस भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए इसकी ये एंट्रेंस है, और ये मज़े हैं यहाँ पे। बाकी जो है बाद में बात करते हैं, मैं मिल लूँ पहले अपने भाई से। हाँ जी गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं लपाशा आ रहा हूँ, मैं लपाशा आ गया हूँ खाने। पहले तो मुझे चाहिए था हुक्का, तो मैं जो है ये हुक्का पी रहा हूँ। ठीक है, ये लपाशा है, ठीक है, और भाई बाहर गया हुआ है फ़ोन पे। ओके, ये देखिए, ठीक है, ये मेरा खाना है, मैंने चिकन बर्गर ऑर्डर किया है। काफ़ी दिनों से चीट मील नहीं किया था, तो मैंने सोचा आज चीट मील कर लें। लोगों से सब्र नहीं हुआ, लोग तो भूखे थे, खाना खा रहे हैं उन्होंने मेरा सब्र नहीं किया, तो मैंने अभी खाना ऑर्डर किया। तभी मैं क्या करूँगा, हुक्के को भी मैं स्टैंड बाय पर छोड़ दूँगा और मैं आराम से खाना खाऊँगा। और ये मेरा भाई चल के आ रहा है, ये देखें, दिस इज़ माई लविंग ब्रदर। ठीक है, और देखें अभी मुझे आराम से खाना खाने दें, भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। उसके बाद मैं आपको ऑल ओवर लपाशा जो है अंदर बाहर से, इसका बाहर से आपको पैटियो भी दिखाऊंगा। हुक्का जो है मेरा जो बेस्ट फेवरेट फ्लेवर है ना, जो वो मैं रस मलाई, मैंगो, कोकोनट और लाइट पान पीता हूँ, बहुत अच्छा फ्लेवर है। ठीक है, और यहाँ पे गेम भी चल रही है। ठीक है, ये देखिए, अच्छा इन्होंने लपाशा में ये ना एक पार्टी रूम बनाया हुआ है, ठीक है, जो कि जहाँ पे बर्थडेज वगैरह चलती हैं, बड़ा अच्छा। मेरी भी बर्थडे यहाँ पे हुई है, भाई की भी बर्थडे यहाँ पे हुई है, ठीक है ना। तो ये भाई है, इसका नाम है इर्तज़ा अली राना, तो इसको पता भी नहीं है कि मैं व्लॉग बना रहा हूँ, कोई नहीं तो ये अब मुझे खाना खाने दें, तो खाना खाने के बाद इंशाल्लाह आपको फिर मैं दोबारा लेता हूँ। अब तो खाना खा लिया मैंने, खाने के बाद मेरे लिए जो है ना ये मैंगो आइसक्रीम इज़ माय फेवरेट। तो मुझे ये लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं कि ये तुम मैंगो आइसक्रीम क्यों खाते हो, इनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, लेकिन दिस इज़ माय फेवरेट आइसक्रीम। एंड दिस माय कज़न, ही इज़ गोना ड्रिंक मिंट लेमोनेड, दिस ऑल टाइम फेवरेट, इज़ माय फेवरेट टू, बट राइट नाउ इज़ आइसक्रीम इज़ द बेस्ट। ये देखें, जब भी टाउन में हो ना, तो ये एक छोटा सा मेरा नेफ्यू है, इसको खेलना होता है लाजमी, इतना मुझे तंग करता है, एवरी डे ही हैज टू प्ले। इन्हें मुझे बैक किया, मैं होमवर्क कर रहा था, इन्हें मुझे बैक किया। लुक, इतना शरारती बच्चा है, इतना ये शरारती बच्चा है। अभी शाम हो गई है, वी गॉट टू स्टॉप प्लेइंग बडी। लुक, मुझे पागल कर दिया इस बंदे ने खेल खेल के अभी जब तक इसके साथ खेलो ना, इसको चैन नहीं आता, पता लगा दैट बॉय। लेकिन मसला है कि मुझे प्यार है इससे, ही इज रियली गुड। ये मेरा प्यारा सा बेटा है, इसका नाम मिकाइल है। मिकाइल, कम हियर बडी। ओके, सो एनीवेज, सो मिकाइल, शाम को अक्सर मैं इधर अपनी अम्मी के घर आ जाता हूँ इसके साथ खेलने के लिए, यू नो ही लिव्स हियर, तो इसके साथ खेल के उसके बाद फिर भले 15-20 मिनट के लिए खेलो, खेल के इसके साथ निकलना पड़ता है। लुक, फिर मैं जाऊँगा शाम में खाना खाने के लिए बाहर या दोस्तों के साथ, आई विल शो यू गाइस। अभी जो है, अभी के लिए खेल के
बो नो वी गॉट डू समथिंग एक्चुअली मेरे भाई की वेडिंग है इस महीने के आखिर में तो वी आर प्रैक्टिसिंग अ डांस ऑफ कोर्स मैं आपको डांस तो नहीं दिखाऊंगा बट आई डेफिनेटली शो यू गाइस हाउ वी आर सारा दिन काम कर कर के थक चुका हूँ काम क्या करना था फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ कभी इधर बैठ कभी उधर बैठ कभी कोई बात करो कभी कोई बात करो हैंग आउट किया हुक्का पिया दो तीन दफ़ा और उसके बाद खाना खाया डिनर लंच किया पहले डिनर किया बस जब मैं काम से फारिग होके इधर ह्यूस्टन में स्टे करता हूँ ना तो भाई मेरा यही काम दोस्तों के साथ घूम लो ये कर लो वो कर लो सिर्फ टाइम ज़्यादा ठीक है तो अब जो है अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं जो कि कल मैं जा रहा हूँ कल यहाँ पे ह्यूस्टन टेक्सास में आतिफ असलम का शो है तो हम लोग जा रहे हैं एंड सी व्हाट आई गॉट द ऑल एक्सेस पास फॉर आतिफ असलम शो तो इससे ये है कि आप लोग बैक स्टेज जा सकते हैं आतिफ को मिल सकते हैं आई मीन ऑल एक्सेस का मतलब ये है कि आप सीट तो आई थिंक मेरी नहीं होगी लेकिन मैं ऑल एक्सेस यही है कि आप हर जगह जा सकते हैं तो आतिफ के शो में कल जा रहा हूँ इंशाल्लाह आप लोगों को भी लेके जाऊँगा साथ अपना वहाँ पे जाके अपनी मैं वीडियो डालूँगा आप लोग भी देख सकेंगे यू विल बी एबल टू सी वॉच द शो दिखाऊँगा आप लोगों को इतना थक चुका हूँ अब मैं घर आ गया हूँ तो ऑलमोस्ट घर पहुँच गया हूँ तो हिम्मत नहीं थी अम्मी के घर से आया हूँ ड्राइव करके बट इट्स ओके या एनीवेज मैं निकल जाऊँगा मैं संडे को काम पे निकल जाऊँगा फिर जो है अच्छा अभी आपको मैं अपना जिम दिखाता हूँ मेरा जिम बहुत अच्छा देखिए बात पता क्या है मुझे 3 महीने ऑलमोस्ट हो गए हैं इस अपार्टमेंट में रहते हुए तो अभी तक मैं कितनी दफ़ा 3 दफ़ा सिर्फ जिम में गया हूँ ठीक है टाइम ही नहीं मिलता बंदा क्या करे तो अभी जो आपको जिम दिखाता हूँ अपना लेकिन ये है कि आई हैव टू कम मैन एवरी डे जगह ये बहुत पुरसकून है रात को आप 2-3 बजे 4 बजे जब मर्जी आओ ये देखिए जी ये देखें अभी ये लॉकर रूम्स हैं मैं पहले आपको अपना जिम दिखा दूं ऑलराइटी लुक एट माय जिम लुक एट दिस पीपल आर वर्किंग आउट रात के 12 बजे अभी लोग जो है ना यहाँ पे जो है वर्कआउट कर रहे हैं तो ये देखें ये बच्चों के लिए जनाब बड़ी ज़बरदस्त जगह है अगर बच्चे हैं आपके आपको बच्चे तंग करते हैं बच्चों को इधर बिठाओ टीवी रूम है और आराम से आप जनाब आराम से आप जो है ना बच्चों को बिठा के आप वर्कआउट कर लो अच्छा आपको मैं बाहर पूल भी दिखा दूँ ठीक है ये देखिए ये देखें कैसा है बनावा गाइस लो जी ये पूल है मेरा हियर यू गो यहाँ पे स्विमिंग करने का हाँ जी तो मैं आपको ये स्विमिंग पूल दिखा रहा था बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का ये स्विमिंग पूल है यहाँ पे पीछे जो है ना वो ग्रिल पड़ी हुई है 2 ग्रिल्स पड़ी हुई हैं जब भी आप यहाँ पे आओ मैं आपको दिन के वक्त किसी टाइम दिखाऊंगा जब भी आप दिन के टाइम आओ आप आराम से आके आप वो कर सकते हैं आराम से बारबेक्यू कर सकते हैं स्विमिंग कर सकते हैं ये देखें बड़े सुकून से लोग जनाब यहाँ पे जो है ना वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं मैं भी आता हूँ अक्सर इधर अंदर आके बैठ जाता हूँ कॉफ़ी वगैरह पियो यू नो
अच्छा बाहर का कोई बंदा अंदर आ नहीं सकता यहाँ पे, तो आई थिंक मैं अपनी मेल चेक कर लेता हूँ साथ। ये मेल रूम है ये देखें, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। हे गाइस, तो किधर गया भाई, ये मेरा मेल रूम है, ये देखें तो मेल आई हुई है। और जो है मैं ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कमाल की जगह है कि नहीं, यहाँ पे आप आराम से बैठे हैं, इधर आप मीटिंग्स कर सकते हैं आराम से, बड़े मज़े से आप जो है ना बैठ सकते हैं। अभी मेरा दिल कर रहा है ये लोग फारिग हों और मैं इनके साथ गेम लगाऊं एक पूल की। ये देखें, ये देखिए,